वालेकुम आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और आप जानते हैं कि लिविंग सिस्टम के अंदर दो टाइप की ट्रांसपोर्ट्स होती हैं नंबर वन पैसिव ट्रांसपोर्ट नंबर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट राइट पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट द यूज़ आर नीड ऑफ एनर्जी परफॉर्म हो रही होती है राइट right? सो so, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पर फोकस रखेंगे अपना और पैसिव ट्रांसपोर्ट की फर्दर कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम सब टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये तीन टाइप्स हैं आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे यानी सिंपल एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो दो टाइप्स हैं डिफ्यूजन के इन्हें डिस्कस करेंगे और ऑस्मोसिस को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे ओके okay. तो so, सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या और बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या लेने हैं पैसे ट्रांसपोर्ट से याद रखिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है चीज़ों की मूवमेंट राइट सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बता दिया विदाउट द नीड ऑफ़ एनर्जी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो रही होगी सो so, पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या लेना है कि पैसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की या ए की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी ए की फॉर्म में होती है राइट सो नो ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट सेकेंड जो मेन कॉन्सेप्ट आपने लेना है वो ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं यानी सब्सटेंसेस स्टांसिस मालिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे कि रूम के एक कोने में आपने स्प्रे किया किसी परफ्यूम का तो वो परफ्यूम की जो खुशबू है पूरे रूम के अंदर फैल जाती है तो होता क्या है कि उस एरिया के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी परफ्यूम के पार्टिकल्स की वो पार्टिकल्स क्योंकि गैस के पार्टिकल में वो मूव कर रहे थे ठीक है और पूरे रूम में फैल गए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जहाँ जहाँ पर कम थे वो पार्टिकल्स परफ्यूम के वहाँ पर वो फैल गए सो पूरे रूम के अंदर हमें उस परफ्यूम की खुशबू आने लगी सो so, ये क्यों होती है डिफ्यूजन ताकि एक इक्विलिब्रियम में अटैन हो सके यानी एक जगह पर अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है किसी सब्सटेंस की दूसरी जगह पर कम है तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वो सब्सटेंस मूव करेंगे अनटिल इक्विलिब्रियम में एक अटैन हो जाएगा क्लियर हो गया सो सेकंड स्टेप या सेकंड कॉन्सेप्ट आपने लेना है कि पैसे ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इस मूवमेंट को हम डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं याद रखिए कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है यानी कि डिफरेंस इन कंसनट्रेशन हम बोल सकते हैं ठीक है जैसे कि एक जगह पर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं हायर कंसनट्रेशन में दूसरी जगह पर पार्टिकल्स कम हैं लोअर कंसनट्रेशन में है सो इन दोनों के दरम्यान का जो डिफरेंस है इसे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे क्लियर हो गया सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि हायर कंसनट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं सो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में ये डाउन मूवमेंट इसे हम कह सकते हैं ठीक है हायर से लो की तरफ जब मूवमेंट होगी इसे हम डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे ठीक है जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगा यानी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स को मूव कर रहे होंगे हम क्लियर हो गया सो सेकंड थर्ड कन्सेप्ट आपने ये लेना है कि पैसे ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी चीज़ों की वो डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होगी क्लियर हो गया और फोर्थ कंसेप्ट सिंपल है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स में देखने को मिलेगी बिकॉज लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है और वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं सो so, जो पार्टिकल मूव करेंगे तो तभी एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे ठीक है सो so, सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी सो पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज क्यों क्योंकि इनके अंदर इन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है ओके okay. अब हम पैसेव ट्रांसपोर्ट की जो टाइप्स हैं उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसेफ ट्रांसपोर्ट की थ्री टाइप्स हैं जिनमें दो टाइप डिफ्यूजन के हैं एक ऑस्मोसिस है सो so, ऑस्मोसिस क्या है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखते हैं आप जानते हैं कि जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफ्यूजन की एग्जाम्पल हम ऐसे नहीं देंगे पहले पहली बात तो आपने याद ये रखनी है कि डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन आप सेम कर कर सकते हैं ठीक है यानी डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है सब स्टांस पार्टिकल्स मूव फ्राम हायर कंसनट्रेशन so, टू लोअर कंसनट्रेशन राइट सो पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन भी हमने ऐसे ही की है सो so, जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंस क्या है कि लिविंग सिस्टम के अंदर हर जगह आपको सेल्स नज़र आते हैं ठीक है सो सेल्स so, के अंदर और बाहर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करनी है सो so, सेल के अंदर और बाहर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट एक सेल मेम्ब्रेन हो रही होती है ठीक है यानी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और सेल मेम्ब्रेन की नेचर कैसी होती है सेमी पर भी अमल नेचर होती है और सेल मेम्ब्रेन पर डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वो आप लेक्चर ज़रूर देख लें फिर आपको ये डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आएगा क्लियर हो गया सो बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से आपने ये लेना है कि डिफ्यूजन की बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हमने ये जहन में रखना है कि जब भी डिफ्यूजन की बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर तो एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन हो रही होगी ठीक है या एक मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं डिफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि बहुत सारी मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर ऑर्गेनलीज इर्ग गिर्द होती हैं वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है सो मेम्ब्रेन एक हाइल होती है एक मेम्ब्रेन है उसके आर पार चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है लिविंग सिस्टम के अंदर सो उस लिविंग सिस्टम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं ठीक है और उस मेम्ब्रेन की बहस ही उस डिफीजन की दो टाइप्स हैं सिंपल डिफीज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफीजन सो सिंपली यहाँ पर दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करवा लूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड लिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती है यानी ये फास्फोलिपिड का मालिक्यूल एक साइड पर है और फास्फोलिपिड का मालिक्यूल दूसरी साइड पर है सो so, ऐसे ही आपस में ये ज्वाइन होकर दो लेयर ऑफ फास्टफो बाई लेयर से ये सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है और इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के दरियान कुछ चैनल्स होते हैं प्रोटीन्स होती हैं जो कि कुछ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं ठीक है so, सो इन प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हम कहते हैं ये वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने समझ लिया ओके आप चलते हैं सिंपल डिफ्यूजन की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल डिफ्यूजन क्या है हायर कंसनट्रेशन चीज़ों की मूवमेंट टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं सो लिविंग सिस्टम के अंदर सिंपल डिफ्यूजन वो वाली डिफ्यूजन होगी जो फास्ट वाला एरिया है ना सेल मेम्ब्रेन का वहाँ से जो हो रही होगी डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट उसे हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे दोबारा से मैं आपको बता दूँ कि लिविंग सिस्टम के अंदर सिंपल डिफ्यूजन क्या है यानी पार्ट ऐसे पार्टिकल्स जो सेल मेम्ब्रेन के फास्ट वाले एरिया से पास इन एंड आउट हो रहे हों उस डिफ्यूजन या उस ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे क्लियर हो गया अब क्योंकि फास्फोलिपिड वाला जो एरिया है इसे थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं वैसे तो आपने वीडियो पहले लाजमी देख लेनी है फास्फोलिपिड के मालिक्यूल को जब हम देखते हैं तो उसका एक फास्फेट हेड होता है दूसरा फैटी एसिड टेल होती है फैटी एसिड या लिपिड भी हम कह सक कह सकते हैं सो इसी वजह से हम इसे फास्फोलिपिड बोलते हैं और फास्फेट हेड जो होता है उसकी नेचर पोलर होती है फैटी एसिड जो होता है उसकी नेचर नॉन पोलर होती है ठीक है सो फास्फेट हेड पर नेगेटिव चार्ज होता है फास्फेट ग्रुप की वजह से ओके okay. अब ये मालिक्यूल इतना इंपॉर्टेंट है और इससे मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन जितना इंपॉर्टेंट है कि ये पोलर मालिक्यूल्स और लार्ज मालिक्यूल को रास्ता नहीं देता टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ठीक है पोलर मालिक्यूल यानी जिन पर चार्ज है जैसे कि वाटर हो गया आयंस वगैरह हो गए ऐसे मालिक्यूल्स जहाँ से एंटर नहीं कर सकते क्यों यहाँ पर अंदर जो फैटी एसिड टेल है ये हाइड्रोफोबिक है या ये नॉन पोलर है जिसकी वजह से पोलर मालिक्यूल इस अंदर वाले बैरियर से पास नहीं हो सकते इसलिए पोलर मालिक्यूल को एंट्री नहीं मिलती और इसी तरह त्रिक, तरीके से ये मालिक्यूल्स आपस में फास्फोलिपिडिक वोलेब मालिक्यूल्स बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं इसी और जिसकी वजह से लार्ज पार्टिकल्स भी मूव इन एंड आउट नहीं कर पाते सो पोलर so, और लार्ज पार्टिकल्स को प्रोटीन्स रास्ता प्रोवाइड करती हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं सिंपली यहाँ पर हमने ये देखना है कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है स्मॉल मालिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं ठीक है या लिपिड सालू मॉलिक्यूल्स हैं वो ही सिर्फ़ पास इन एंड आउट हो सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स फासिपिड वाले एरिया से बहुत स्मॉल स्पेसेस से एंटर कर जाते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आप जानते हैं प्लांट्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही होती है और ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर भी लंग्स के अंदर ये एक्सचेंज हो रही होती है सो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन एंटर करती है हमारे लंग्स के अंदर ठीक है लंग्स के अंदर जैसे इंटर करती है एल में जाती है ऑक्सीजन सो एल के सेल से एल से वो ऑक्सीजन क्या करती है एंटर कर जाती है इंटू द ब्लड ठीक है सो ब्लड के अंदर क्या है रेड ब्लड सेल के अंदर वो एंटर होती है सो so, वहाँ पर जो इंट्री ऑफ ऑक्सीजन हो रही है वो फास्फोलिपिड वाले एरिया से हो रही है यानी ऑक्सीजन का एक्सट्रीमली स्मॉल है और ये नॉन पोलर भी है सो so, आसानी से ये एंटर हो जाता है इनसाइड द सेल और सेल से बाहर भी निकल सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मालिक्यूल है ये क्या करता है सेल के अंदर ज़्यादा बनता है ये इन साइड ऑफ सेल है ये बनता है सेल के अंदर और ये फास्फोलिपिड वाले एरिया से बाहर निकल जाता है और अगर एलवियोलाई या लंग्स की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से एलवियोलाई में जाता है जाती है और एलवियोलाई से हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर क्लियर हो गया सो so, दो मालिक्यूल्स जो सिंपल डिफिजनस से पास इन एंड आउट ऑफ द सेल जाते हैं उनमें हमने एग्जाम्पल स्टडी कर ली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इसी तरीके से कुछ स्टीराइड हारमोन्स हैं स्टीरोयड क्या होते हैं लिपिड सॉल्युबल स्टीरोड क्या है, है, है? So, लिपिड्स हैं ठीक है सो ये फासफो लिपिड की लेयर लिपिड्स हैं सो लाइक डिजॉल्व लाइक की एग्जाम्पल आप समझ लें सो so, ऐसे कुछ छोटे छोटे हारमोन्स होते हैं स्टीरोयड हारमोन जो कि इस मेम्ब्रेन से आर पार जा सकते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर क्या है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टोस्टेरोन कोर्टिसोल एल्डोस्टेरोन डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल आ जाती है जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं वो हार्मोन्स राइट right? सोटीरॉइड so, हार्मोन भी इंटर कर सकते हैं सो स्टीरायड हार्मोन की एंट्री को भी हम सिंपल डिफ्यूजन में लाएंगे इसी तरीके से लिपिड सॉल्युबल कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की ड्रग्स दी जाती हैं और कुछ ऐसी होती है, हैं लिपिड सॉल्युबल होती हैं ताकि उनकी एंट्री जल्दी हो सो so, वो भी इंटर हो सकती है इन एंड आउट ऑफ द सेल सो ये एग्जाम्पल भी सिंपल डिफ्यूज़न की आ गई ठीक है बट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं और लार्ज होते हैं और इनकी भी एंट्री इन एंड आउट ऑफ द सेल बहुत ज़रूरी है ठीक है सो so, इनकी एंट्री यहाँ से फास्ट वेलिपिट से नहीं हो पाती सो so, इसके लिए कुछ चैनल्स होते हैं कुछ रास्ते होते हैं ठीक है जिन्हें हम फैसिलिटेटर्स भी कह सकते हैं सो so, उन रास्तों के ज़रिए जब जब ये मालिक्यूल एंटर करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल सो so, उस डिफ्यूजन के प्रोसेस को या उस ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है क्लियर हो गया यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स अक्रॉस द फासफेलेबल लेयर हो रही हो तो उसे हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स अक्रॉस द फैसिलिटेटर्स और चैनल्स और कैरियर प्रोटीज हो रही हो तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे ठीक है सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो रास्ता प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल और हर एक प्रोटीन बड़ी स्पेसिफिक होती है कि उसने कौन सा मालिक्यूल कौन से मालिक्यूल को इंट्री देनी है सेल के अंदर और कौन से मालिक्यूल को सेल से बाहर भेजना है ये बड़ी स्पेसिफ़िक होती हैं ठीक है सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा होता है कि चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स एंड पोलर मालिक्यूल्स और ये ट्रांसपोर्ट भी विदाउट द नीड ऑफ़ एनर्जी हो रही होती है याद रखिए और अगेंस्ट द डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होती है सो so यहाँ पर एक चीज़ हम लाजमी मैंशन करेंगे कि ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये क्या कर रहे होंगे हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से मूव कर रहे होंगे लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से मालिक मूव कर रहे हैं टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियन क्लियर हो गया ओके सो एग्ज़ाम्पल के जरिए समझते हैं नर्व सेल्स के अंदर जो फास्फोलेपेड बाइलेयर है उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं ठीक है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिन्हें हम मैकेनो रिसेप्टर और वोल्टेज गेट चैनल बोलते हैं ऑफ सोडियम ठीक है सोडियम आइन्स के ये रिसेप्टर्स होती हैं ये प्रोटीन या सोडियम आइन के वोल्टेज गेट चैनल होते हैं जो क्या करते हैं सोडियम आइंस को इन एंड आउट ऑफ द सेल मूव करवाते हैं ठीक है सो होता क्या है जनरली सोडियम के जो आइन्स हैं वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा होते हैं नर्व सेल के बाहर ये सोडियम आइंस क्या होते हैं ये ज़्यादा होते हैं और ये ज़रूरी होता है ये जब आप नर्व एम्पल्स को पढ़ेंगे मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर बनाया हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी क्योंकि बाहर से जो मेमब्रेन की पोलैरिटी uh, होती है वो पॉजिटिव होती है बिकॉज ऑफ दीज आइन्स और अंदर से नेगेटिव होती है ठीक है सो ये ज़रूरी है कि बाहर सोडियम आइन ज़्यादा हो अंदर कम हो जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है ओके सो एग्जांपल मैंने आपको दी कि यहाँ पर कुछ मकैनो रिसेप्टर्स हैं मकैनो का मतलब क्या है कि जब कोई वजन पड़ेगा कोई प्रेशर वग़ैरह पड़ेगा तो ये प्रोटीन्स ओपन हो जाएंगी ठीक है और विदाउट द नीड ऑफ़ एनर्जी ये प्रोटीन्स क्या करेंगी सोडियम क्योंकि ये सोडियम आयन के मैकेनो रिसेप्टर हैं सोडियम के आयंस को एंट्री करवाएंगी इनसाइड द सेल और इनसाइड द सेल सोडियम आयन की कंसनट्रेशन क्या है कम है ठीक है ओके सो लेट्स से या कोई मैकेनिकल स्टिमुलस मिला है या कोई वोल्टेज स्टिमुलस मिला है ये प्रोटीन चैनल ओपन हो चुका है तो अब होगा क्या कि सोडियम आयन यहाँ से एंट्री करेगा थ्रू दिस चैनल प्रोटीन इनसाइड द सेल और ये एंट्री फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी ठीक है और इस एंट्री की हम एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि ये इंट्री जब एक्शन पोटेंशियल होती है जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो उस वजह से ये इंट्री होती है तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ नर्व इम्पल्स वाला लेक्चर आप जरूर देख लें फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी सो एक्शन पोटेंशियल एग्ज़ाम्पल इसमें क्या आ गई एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स की जो एक्शन है इसकी एग्जांपल आ गई ठीक है फिर एक और टाइप की प्रोटीन है जिसे हम पोटाशियम आयन लीकी चैनल कह सकते हैं ये भी चैनल प्रोटीन है चैनल और कैरियर प्रोटीन का डिफरेंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ये एक चैनल प्रोटीन है और ये चैनल प्रोटीन क्या करती है पोटाशियम आयन की मूवमेंट करवाती है ठीक है सो एक्शन पोटेंशियल हो गया सोडियम so, आयन अंदर आ गए ठीक है आप दोबारा से रिपोले रिपोलराइजेशन का प्रोसेस और होता है उसकी तरफ डिटेल में नहीं जाते सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि अंदर सेल के अंदर जो पोटाशियम आयंस हैं उनकी कंसन्ट्रेशन ज़्यादा होती है ठीक है पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है सो so, ये पोटाशियम आइंस क्या करते हैं इस लीकी चैनल से बाहर जाते रहते हैं ठीक है एंड और बाहर पोटाशियम आइन की कंसनट्रेशन कम होती है सो so, हुआ क्या है ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जिसमें एक प्रोटीन चैनल के रास्ते पोटाशियम आइन मूव करते हैं आउट ऑफ द सेल और इसकी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं रिपोलराइजेशन जब नर्व इम्पल्स जो है ना वो दोबारा से अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रही होती है उस प्रोसेस को हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं ठीक है ओके ये तो आ गई चैनल प्रोटीन्स फिर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ठीक है कैरियर प्रोटीन्स का काम भी सेम होता है एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं पार्टिकल्स को मूव इन एंड आउट करने के लिए सो इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है लेट्स से दिस इज ग्लूकोज ये ग्लूकोज का मालिक्यूल क्या करता है इस प्रोटीन के अंदर जो रास्ता है उसमें जाता है और ये प्रोटीन अपनी शेप चेंज करती है और इस तरीके से नीचे से ओपन होती है और ये ग्लूकोज़ का मालिकोल सेल के अंदर एंट्री कर जाता है सो so, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लूट या ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ठीक है जो कि एग्ज़ाम्पल है कैरियर प्रोटीन की अब समझते हैं कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के दरम्यान डिफरेंस क्या होता है याद रखिए जो चैनल प्रोटीन होती है हो, उसकी शेप फिक्स्ड होती है जबकि कैरियर प्रोटीन की शेप जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है यानी ये फिक्स शेप है जहाँ से ओपनिंग होगी और इस रास्ते से आइंस मूव करेंगे जबकि कैरियर प्रोटीन के अंदर क्या होता है लेट से पहले प्रोटीन की शेप ऐसी थी ऊपर से ग्लूकोज ने एंट्री की प्रोटीन ने शेप ऐसे कर दी ग्लूकोज़ को ड्रॉप कर दिया इनसाइड द सेल क्लियर हो गया सो कैरियर प्रोटीन की शेप थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है ओके इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं अगर वाटर की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा हो चुकी है और अंदर कम है तो ये वाटर क्या करता है मूव कर जाता है इनसाइड द सेल और इन प्रोटीन चैनल्स को एक्वापोरेंस कहा जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ऑस्मोसिस ठीक है सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओके okay. ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया डिफ्यूजन के दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेता हूँ ताकि जब आगे हम स्टडी करें आपको क्लियर हो जाए मैंने सिंपली आपको बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है जिसमें चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं और इस मूवमेंट को डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये पैसे ट्रांसपोर्ट आपको लिक्विड्स और गैसेज़ में देखने को मिलेगी क्योंकि लिक्विड और गैसेज के मालिक यूज़ मूव करते रहते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है क्लियर हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम के अंदर की बात करें तो सेल मेंब्रेन के अक्रॉज जो फासफोलिपड बाई लेर वाले रीजन है वहाँ से जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है उसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है उसकी एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर रिस्पायरेशन के नतीजे पर रिलीज़ होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल से बाहर चली जाती है इन टू द एल और वहाँ से हम इसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं इसी तरीके से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर एंट्री करती है ब्लड सेल के अंदर एंट्री करती है इसी रीजन से एंट्री करती है इड हार्मोन्स इस फास्फोलिपिड बाइलेयर से एंट्री करते हैं लि, लिपिड सालुआर ड्रग्स इस रीजन से एंट्री करती हैं सो so ये सारी एग्जाम्पल सिंपल डिफ्यूजन के आगे इसी तरीके से कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जहाँ से एंट्री नहीं कर पाते सो so उसके लिए कुछ चैनल्स कुछ रास्ते कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि रास्ता फैसिलिटेट कर रही होती हैं मालिक्यूल्स को मालिक्यूल्स की एंट्री इन एंड आउट ऑफ द सेल सो उन रास्तों उन चैनल्स के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होती है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है जिसमें हमने स्टडी किया गया सोडियम के पंप होते हैं ठीक है इन्हें ATP, ए सॉरी इन्हें सोडियम पंप कहा जाता है ठीक है जो कि मैकेनो रिसेप्टर टाइप के पंप होते हैं वोल्टेज गेट जब स्टिमुलस मिलेगा ये ओपन होंगे और सोडियम आयन रश करता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्लियर हो गया सो इसी तरीके से पोटाशियम आयन पोटाशियम चैनल क्या करता है लीकी चैनल पोटाशियम को मूव करवाता है आउट ऑफ द सेल ग्लूकोज की जो ट्रांस ट्रांसपोर्ट होती है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है जो कि थोड़ी बहुत अपनी शेप चेंज कर सकती है सो ग्लूकोज़ उस तरीके से एंट्री करते हैं और इसी तरीके से वाटर की ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन के रास्ते ही होती है सो तो हम कह सकते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है लेकिन उसको नाम ऑस्मोसिस का दिया गया है क्लियर हो गया सो चैनल और कैरियर प्रोटीन के दरियान का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया बस मेन चीज़ आपने ये लेनी है कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो भी टाइप की डिफ्यूजन है उसमें चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं So, यानी कि जहां पर बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेसन जब ज्यादा है तो ये इंटर करेगी इनसाइड द सेल और अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाएगी सो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ों की मूवमेंट हो रही है ओके okay, अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिफ्यूजन पर या पैसिव ट्रांसपोर्ट पर अफेक्ट करते हैं ठीक है सो so, डिफ्यूजन पर हम कह सकते हैं सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स उसमें कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं जैसे कि सर्फेस एरिया हो गया यानी अगर सेल का सर्फेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा रेट ऑफ डिवीजन ज़्यादा होगा राइट right? क्यों क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलेगी और मालिक्यूल ज़्यादा आसानी से इंट्रैक्ट कर पाएंगे और सेल के अंदर और बाहर एंट्री कर पाएंगे सो so सेल्स इस सेल्स का साइज इसी वजह से स्मॉल होता है सो so अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है तो इसका इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में दे, दे दूंगा इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन की हुई है सो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ़ डिफ्यूजन इंक्रीज़ होगा सो so, हम कह सकते हैं रेट ऑफ़ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ़ डिफ्यूजन इंक्रीज़ होगा यानी एक जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा है दूसरी पर जगह पर बहुत कम है तो ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया यानी डिफरेंस ज़्यादा हो गया सो so, ज़्यादा फास्टली जो डिफ्यूजन हो रही होगी ठीक है सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इसके अलावा टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी आप दीज मालिक्यूल ज़्यादा होगी और ज़्यादा स्पीड में डिफ्यूजन हो रही होगी जबकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्लो डाउन करते हैं जैसे कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन यानी अगर ये मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक है तो मूवमेंट ऑफ़ मालिक्यूल आसानी से नहीं हो पा रही होगी इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ़ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इसके अलावा पार्टिकल साइज़ अगर पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी यानी ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है तो ये ज़्यादा जल्दी इंटर करती है इन टू इन इन साइड द सेल और कार्बन डाइऑक्साइड का साइज थोड़ा सा ऑक्सीजन से बड़ा है तो ये थोड़ी स्लो मूव करती है सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज क्लियर हो गया और अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें अगर ये प्रोटीन चैनल्स जिनके रास्ते से एंट्री होती है इन मॉलिक्यूल्स की इन एंड आउट अगर ये जितने ज्यादा होंगे तो उतनी ज्यादा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त हैं शुक्रिया अल्लाह हाफिज़